सफलता के झंडे गाड़े मैं वही आपको दिखा रहा हूँ, माई छोटा स्कूल। और इस समय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे जो आयोजन था वो शानदार था। दूसरी बार मैं यहाँ पे आया हूँ, इन सभी गुरुओं को इस गुरुकुल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे सुशील तिवारी का मेरा सलाम। सबसे पहले कैसा लगा, इतना शानदार आयोजन आपने करवाया था गाजीपुर जिले में, जो लोग देख रहे हैं उन्हें आप क्या कहें? बहुत अच्छा लगा है। आज का दिन हमारे 75th इंडिपेंडेंस डे है, पहले का सबको आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलूंगी। और हमारे यहाँ बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और उसमें मतलब अच्छे अच्छे डांस सिंगिंग सारे कंपटीशन थे, स्पीच भी थे, टीचर की तरफ से भी थे, बच्चों की तरफ से दोनों ओर से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, और बहुत अच्छे से हमने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया। कितनी मेहनत की आप लोगों ने, बच्चों को इतने कम समय में, इतनी छोटी उम्र में इस तरीके से परिपक्व करना बड़ी बात है। हाँ, पहले तो मैं सबको विश करना चाहती हूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतने छोटे बच्चों को करवाना तो थोड़ी मुश्किल है, लेकिन हम हार नहीं माने, हम करते रहे ताकि वो कुछ अच्छा करके दिखाए इस माई छोटा स्कूल में, और उन्होंने आज किया भी। और लोग जानना चाहते हैं कि कितनी कठिनाइयां होती हैं आप लोगों को, फिर भी बच्चों को हार न मानना, और बच्चे लगातार यहाँ से प्रगति कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ लगातार आप पीक पे जा रहे हैं, सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं, मैं आऊंगा वेद जी के पास भी आऊंगा, मगर आप लोगों से मैं चाहूंगा गाजीपुर की जो पूरी आवाम देख रही है उन्हें क्या बताएंगी, जरूर आए बच्चों को लेके, आपके सुनहरे भविष्य का यहाँ पे निर्माण होगा। हाँ, मैं गाजीपुर की जनता से यही बोलना चाहती हूँ कि वो एक बार अपने बच्चों को जरूर भेजे इस स्कूल में, क्योंकि ये स्कूल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी काम करवा रही है बच्चों के साथ साथ, इतना मुश्किल, एक एक बच्चों को, इंडिविजुअल बच्चों को अच्छे से देखना, उनकी केयरिंग करना और उनको सिखाना, सब कुछ इस स्कूल के माध्यम से सिखाना है। बहुत ही शानदार, अद्भुत, अकल्पनीय, जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। और सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है, कितना शानदार आयोजन था आपका, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। सुशील तिवारी, पहले हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और इसके साथ में हम माई छोटा स्कूल की जो हमारी टीचर टीम है, हम उसको हृदय से धन्यवाद देंगे। कम समय में माई छोटा स्कूल जो पूरे भारत वर्ष में 1500 ब्रांच चल रही है, अपना गाजीपुर प्रथम प्रथम नंबर पर ला रहा है, ये फ्रेंचाइजी का कहना है। कम समय में बच्चों के अंदर एक फार एप्पल पढ़ाना, फार मैंगो पढ़ाना आसान है, क्योंकि हम तो अपने यहाँ बच्चों को एप्पल और मैंगो खिला के पढ़ाते हैं, साथ में हम बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करते हैं कि हमारे बच्चे 2000 लोगों के सामने कैसे माइक पे बोलेंगे, कैसे बच्चे ग्रुप में इंग्लिश में बात करेंगे, इसका सारा श्रेय हमारा टीचर टीम को जाती है। और साथ में जो माई छोटा स्कूल के प्रिंसिपल हैं, साथ में राजकीय सिटी इंटर कॉलेज का उनके पास 40 साल का अनुभव है, उनके मार्गदर्शन में ये विद्यालय दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है। लगातार सफलता इस विद्यालय ने चूमे, आप क्या कहें? सबसे पहले मैं सबको देश अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। सर, आज का प्रोग्राम जो भी हुआ बहुत ही बेहतरीन, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत मतलब कम समय में बहुत सारा सीख चुके हैं, और मैं गाजीपुर से लोगों से कहना चाहूंगी कि थैंक यू। हमारे यहाँ कम समय में छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए, और मैं गाजीपुर देशवासियों से यही कहूंगी कि वो भी अपने अपने बच्चों को हमारे छोटा स्कूल में पढ़ाने के लिए हम लोग के लिए अवसर दें। धन्यवाद। एक अंतिम बार मैं पूछना चाहूंगा, बड़े बच्चों को डिग्री कॉलेज के हो, इंटर के हो या फिर प्राइमरी तक के हो, आप पढ़ा सकते हैं, इन बच्चों को पढ़ाना बड़ी बात है, घर से भी एक अच्छी तैयारी करके आनी होती है, सबको ऐसा कर नहीं पाता, ये कहने की बात नहीं है, जहां तक मैं जानता हूं या सभी लोग जानते हैं। अंतिम बात मैं आप लोगों के पास आऊंगा, माई छोटा स्कूल के लिए आप लोग जो काम कर रहे हैं सच में शानदार है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे वीर सेनानियों को, उन माताओं को, उन बहनों को, उन वीरांगनाओं को
माय छोटा स्कूल का सलाम। जो अदर गार्जियन है वो हमारे स्कूल में एक बार आए और हमारे बच्चे के प्रोग्राम को देखे, उन्होंने कम टाइम में बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आज जो प्रोग्राम किया है उससे सारे अदर बच्चे भी इंस्पायर होंगे और उन्हें एक अच्छी सीख मिलेगी। मैम सक्सेसफुल की बात होती है, सफलता की बात होती है, पेरेंट्स यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा तुरंत जाए और तुरंत ही पढ़ने में उजस्वी हो जाए, उनके लिए आप क्या कहेंगे? सफलताएं ऐसे नहीं मिलती, उसको पत्थर पे घिसना पड़ता है। पहले तो बात छोटे बच्चों की यहाँ पे, तो हम इतनी जल्दी में जल्दबाजी में कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि पहले उनको सीखने में, उनको खुश करने के लिए, फिर उनको उनका माइंड को सेट करने में बहुत टाइम लगता है। इस वजह से पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ताकि वो कुछ टाइम तो लेंगे एक बच्चे हैं तो, धीरे धीरे वो जो सीखते हैं वो फिर लाइफ टाइम भूलने वाली चीज़ें हैं क्योंकि बच्चे ऐसी एज में हैं जो कि उनका माइंड जो है काफ़ी तेजी से वर्क करता है। दोस्तों सफलता कहते किसे हैं, सफलता का आत्मसात किया है माई छोटा स्कूल ने और लोग कह भी रहे हैं समय के साथ चलना ही अनुशासन है। उस अनुशासन के मापदंड को आप बना के रखिए, वो पगडंडिया भले ही टेढ़ी मेढ़ी हो सफलताएं आपको जरूर मिलेंगी। माई छोटा स्कूल की ओर से, मेरी ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।